वेलकम टू आवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग देख रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये जो वीडियो है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इसलिए मैंने बनाया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट हैं वो सब बोल रहे थे कि सर आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर भी एक वीडियो बनाइए। और रीज़न इसका ये है बनाने का कि मैंने कुछ लड़कों को, कुछ स्टूडेंट को ये मैंने लिखाया था, बताया था, तो उनके द्वारा जब एसएससी का एग्ज़ाम दिया गया तो उन्होंने बताया कि सर आपके जो लिखाए हुए लगभग 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्ज़ाम में, और लगभग दो नंबर के थे, दो नंबर का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, दो नंबर के दोनों ही फंसे थे। और ये एक बार ऐसा नहीं हुआ, एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसा दो बार हो चुका कि लगभग दो से तीन क्वेश्चन मेरे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो मैंने लिखाए हैं, बच्चों को बताए हैं, वो आ रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसीलिए उनके कहने पर मैंने कहा कि चलिए वीडियो बनाते हैं। कल मैं उनका आपको उनसे परिचय भी करवाऊँगा जिन्होंने ऐसा कहा था, वो स्टूडेंट मेरे हैं। तो आगे चलते हैं, अपन लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और ये एसएससी के एग्ज़ाम पे ही पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं। तो अगर एसएससी के एग्ज़ाम में आए हैं तो ये टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो उससे अगर ईजी कोई व्यापम का एग्ज़ाम होता है या कोई और चीज़ें होती हैं, कोई और एग्ज़ाम होते हैं, तो वो इसकी अपेक्षा जो हो गया वो ईजी आएगा उसका, तो उसमें तो ज़रूरी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में अपन लोग कुल मिलाकर के लगभग 31 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। तो पहला जो है बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, जो अपना डेब्ट जो उधार लिया है वो अगर ना पे कर पाए, ठीक है, अनेबल टू पे, असमर्थ हो पे करने में, तो उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया, जिसके पास कुछ भी नहीं बचता उसे बोलते हैं दिवालिया। क्वेश्चन नंबर दो है जो हमारा, वो है द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। ठीक है, ऐसी साइंस जो तारों के बारे में बताती है उसे क्या बोलते हैं, उसके बारे में, राशियों के बारे में बताती है, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं ये, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योतिष विज्ञान, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं इसे। आगे चलते हैं अपन लोग, ये थर्ड नंबर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इन अ स्टेट, मतलब जो ऐसी गवर्नमेंट जो स्टेट में ऑफिशियल मतलब ऑफिस ऑफिसर चलाएं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, और इसको बोलते हैं नौकरशाही हिंदी में, वैसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट है इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी, कीट शास्त्र। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इसे क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी मतलब कीट शास्त्र। ठीक है, अ ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डिटीज, तो जो ऐसी स्टोरी जो क्या हो बहुत पुरानी हो तो उसे क्या बोलते हैं, पौराणिक कथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पौराणिक कथा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिक्स नंबर पॉइंट पे, ध्यान से, स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग लाइक टॉम्स बुरीड और टाउन्स, ऐसी एंशिएंट थिंग्स जो टॉम्स मतलब होते हैं जो मूर्तियां पुरानी होती हैं, बुरीड वो सब चीज़ों के बारे में है, जो पुराने पुरातत्विक होते हैं उसकी जो खोज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, तो पुरातत्व विज्ञान को ही क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी। ठीक है, आते हैं अपन लोग पॉइंट नंबर सेवन में, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग बिटवीन टू पर्सन, एंटीपैथिक, घृणा, तो उसको क्या बोलते हैं, जो ऐसा आदमी जो एकदम मतलब किसी से घृणा करता हो, मतलब बिल्कुल डिसलाइक करता हो, उसे बोलते हैं एंटीपैथी और उसे बोलते हैं घृणा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्पीक इन अ वेरी लो टोन, ऐसा एकदम फुसफुस फुसफुस करके बात करना, तो उसे क्या बोलते हैं, विस्पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समथिंग डैट इज हिडन, ऐसा जो चीज़ जो बिल्कुल छुपी हो तो उसे क्या बोलते हैं, रहस्य। रहस्य मतलब मैस्ट्री। ठीक है, मैस्ट्री मतलब होता है रहस्य, समथिंग डैट इज हिडन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, सोल्जर्स ऑन बिग गन्स माउंटेड ऑन व्हील, है ना, ऐसा सोल्जर जो क्या करता हो, बड़ी बड़ी तोपे चलाता हो, व्हील वाली, बड़े बड़े टायर वाली व्हील चलाता हो, से बोलते हैं आर्टिलरी, मतलब तोप चलाने वाले व्यक्ति को बोलते हैं। जैसे कि आप लोग ने अभी अभी एक पिक्चर देखी होगी, तानाजी, तानाजी में एक रहती है तोप, ठीक है, तो वो हो गया आपका, तोप चलाने वाले को क्या बोलेंगे अपन लोग, आर्टिलरी, आर्टिलरी। नेक्स्ट है आप लोग का क्वेश्चन, सेमलेसली रूड, सेमलेसली रूड मतलब क्या होता है, इम्पुडेंट, इम्पुडेंट मतलब नीलज और ढीठ, इम्पुडेंट मतलब क्या होता है, नीलज एंड ढीठ। जैसे आपने बोला सेम, सेम मतलब होता है नीलज, सेमलेसली रूड मतलब होता है इम्पुडेंट, नीलज या ढीठ। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, जैसे लिखा है अ शॉर्ट और शॉर्ट, अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच, मतलब किसी बुक या किसी भी स्पीच की एक छोटी शॉर्ट समरी को क्या बोलते हैं, एपिटोम, क्या बोलते हैं, एपिटोम। ध्यान रखिएगा, अ शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक और स्पीच, किसी भी स्पीच या बुक की शॉर्ट समरी को क्या बोलते हैं, एपिटॉम बोलते हैं, सारांश बोलते हैं, ठीक है। साइंस ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, तो इसे क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, मतलब शरीर रचना विज्ञान, साइंस ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, साइंस ऐसा साइंस जो किसी भी बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में क्या करता है, बात करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन लोग, एनाटॉमी बोलते हैं, शरीर रचना विज्ञान। अच्छा, मैं आप लोग को जानकारी ये देना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बस आपको पढ़ने से याद नहीं होंगे, इसको आपको प्रॉपर एक नोट्स बनानी पड़ेगी, तो आप लोग प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, देन दोबारा आप इस वीडियो को देखिए, सुनिए भी, और साथ साथ में आप लिखते भी चलिए, ठीक है। तो मैं आपको ये कंटिन्यू 3-4 वीडियो में पूरे 150 के आसपास मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दूंगा, और उतना अगर आपने पढ़ लिया तो निश्चित तौर पे बात मानिए कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसके बाहर नहीं जाने वाला, अगर वो किसी अच्छे एग्जाम का है, जैसे कि SI का हो गया आपका, SSC में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, बैंकिंग में आते हैं, तो अगर इस तरह में एग्जाम में आएंगे तो निश्चित तौर पर आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन लोग, साइंस ऑफ द हैबिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, ऐसी मतलब जो लिविंग थिंग, जो साइंस मतलब जो रहने की आदत हो, या मतलब पर्यावरण की बात की गई हो, तो उसमें आप सीधे उसको क्या बोलेंगे, इकोलॉजी बोलेंगे, पारिस्थितिक विज्ञान बोलेंगे, ठीक है, पारिस्थितिक विज्ञान। आगे चलते हैं, साइंस ऑफ द कॉसेस ऑफ डिसीज, अच्छा जितने ये साइंस वाले क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, साइंस ऑफ द कॉसेस ऑफ डिसीज, है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, कारण विज्ञान, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी किसे बोलते हैं, साइंस ऑफ द कॉसेस ऑफ डिसीज, ठीक है। साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, इसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, साइंस ऑफ मैनकाइंड एज एन एनिमल, इसे क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसको मतलब साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है, जो मतलब पुराने लेखों का आपको मिलेंगे, जैसे रीवा डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है पटना ग्राम के पास, मतलब रायपुर करचुलियान के पास एक पटना ग्राम है, और पटना गांव के में एक मंदिर बना है बहुत पुराना शंकर जी का, वहां पे आप जाएंगे तो एक लेख, पुरातत्व लेख लिखा हुआ है, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो वो चीज़ होती है उसकी जो खोज करता है उसे क्या बोलते हैं, पुरालेख शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, साइंस ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, ऐसा साइंस जो क्राइम और क्रिमिनल के बारे में क्या करे, बात करे, तो उसे क्या बोलते हैं, अपराध विज्ञान, मतलब क्रिमिनोलॉजी, ठीक, क्राइम से है क्राइम, नोलॉजी और लगा दीजिए, ठीक है, क्रोनोलॉजी मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, विज्ञान। आगे चलते हैं, साइंस ऑफ डीलिंग विथ हेरिडिटी, ऐसी साइंस जो पुरानी जो चीज़ें होती हैं अपने पुश्तों से अपने पास आती हैं, उस चीज़ों के बारे में बात करें, उसे बोलते हैं अनुवांशिक विज्ञान, ठीक है। तो कुल मिला करके ये मैंने आपको 19 बता दिए, आगे चलते हैं अपन लोग, एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका हमेशा स्वागत है, और अपन लोग ये टैगलाइन मिली इसलिए मैंने आपको बोल दिया, ठीक है, और आप लोग को मैं मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे 300 सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं, 297 हो गए हैं और लगभग 300 होने वाले हैं, आप लोग का जो सहयोग है वो मिल रहा है मुझे पूरा वीडियो में, और मैं इस वीडियो को बनाने में मेहनत भी करता हूँ, तो आप लोग को अगर इसी तरह से सहयोग मिलता रहा तो निश्चित तौर पे अपन लोग भी एक बड़ी ऊंचाइयों पे पहुँचेंगे, ठीक है।
तो रूल नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है वन वर्स सब्स्टिट्यूशन का, वो ये है रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर, मतलब किसी ऐसी मृत्यु मिलना, डिजास्टर मिलना उसके क्या रिजल्ट के किसी उसके कारण, तो उसे क्या बोलते हैं फैटल, मतलब मृत्यु का कारण। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं रिसीविंग गेस्ट वार्मली, किसी भी गेस्ट को बहुत ही अच्छे से मिलना, उसे क्या बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं, आतिथ्य सत्कार। जैसे मान लीजिए कोई आ गया, आप बोले अरे सर आइए 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 आइए, क्या बात है, बहुत खुशी हुई आपको देख करके, लेकिन आप अगर कोई आ गया तो इसे मतलब अगर खुशी से बोलेंगे तो हॉस्पिटैलिटी होगा, और अगर मान लीजिए कि वो आया और आप बोले हाँ पुन चले आए, है ना, फिर से चले आए, ये वो करके मुंह बना लेंगे, तो फिर वो क्या होगा, उसको अतिथि सत्कार नहीं होगा। तो इसीलिए कोई भी गेस्ट आए उसे अच्छे से मिलिए, चाय वाय पिलाइए कभी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिसीविंग गेस्ट वार्मली हो गया, आते हैं अपन लोग 22 पे, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमें पुश्तैनी, पुश्तैनी मतलब पापा और बाबा से मिलती है, उसे बोलते हैं अपन लोग लिगेसी, लिगेसी होगा, सॉरी यहाँ पे लिगेवी लिखा है, लिगेसी होगा, सी बना लीजिएगा, लिगेसी मतलब होता है पैतृक संपत्ति। ठीक है, फिर आते हैं 23 पे, प्रिंसिपल डेट वॉज होगा, यहाँ पे द नहीं आना चाहिए, डेट वॉज शुड एंड कुड वी एवलाइज्ड, इसे मतलब ऐसे प्रिंसिपल जिसमें अपन लोग क्या है शांति बनाए रखें, मतलब कोई बेकार चीज़ को मतलब ना सुने, है ना, इसको बोलते हैं पैसिफिज्म बोलते हैं, मतलब शांतिवादिता बोलते हैं, शांतिवाद बोलते हैं उसको। ठीक है, आते हैं अपन लोग नंबर क्वेश्चन 24 पर, क्वेश्चन है आपका हैंड राइटिंग डैट कैन बी इजली रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसको अपन लोग क्या करें आसानी से पढ़ सकें, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिजिबल, लिजिबल मतलब होता है पठनीय, पठनीय मतलब जिसको हम पढ़ सकते हैं आसानी से, वही होता है राइटिंग, राइटिंग डैट कैन बी इजली रीड, ठीक है, लिजिबल होता है। गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, ऐसी गवर्नमेंट जो एक डिक्टेटर क्या करता हो, डिक्टेट करता हो मतलब चलाता हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप, मतलब तानाशाही, तानाशाही बोलते हैं डिक्टेटरशिप को। जैसे आप लोग ने एक नाम सुना होगा एडोल्फ हिटलर का, वो अपने मनमर्जी काम करता था इसलिए उसे तानाशाह कहा जाता था। एक तानाशाह और वर्तमान में बोलते हैं उत्तर कोरिया के जो वो हैं जो मेन व्यक्ति हैं वहाँ के, मुझे नाम उनका अच्छे से याद नहीं है, तुम फुम कुछ नाम ऐसे है, तो ठीक है आप लोग समझ गए होंगे आई थिंक मुझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो गवर्नमेंट वन रन बाय अ डिक्टेटरशिप, जो ऐसे गवर्नमेंट जो मतलब डिक्टेटर हों, तानाशाह हों, उनके द्वारा अगर चलाई जाती है तो उसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ऐसा गवर्नमेंट जो बहुत ही बड़े व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, किसी कुलीन व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो, तो उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र द्वारा जैसे राजा महाराजा जैसे चलाते थे उस तरह, लेकिन हर चीज़ के बारे में एक यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि राजा के द्वारा अगर चलाया गया तो उसे क्या बोलते हैं, हर चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। आते हैं अपन लोग थोड़ा सा आगे, गवर्नमेंट बाय या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको अपन लोग चुन करके गवर्नमेंट में गवर्नमेंट चलाते हैं, जैसे अपन लोग ने मंत्री विधायक चुने, वो पहुंचे, फिर वो जो गवर्नमेंट चलाते हैं उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बाय इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, इसे बोलते हैं डेमोक्रेसी, मतलब प्रजातंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं, जो गवर्नमेंट बाय इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव द्वारा होते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो अपन लोग चुनते हैं, गवर्नमेंट बाय अ किंग एंड क्वीन, गवर्नमेंट ऐसी जो राजा और रानी चलाते हैं उसे बोलते हैं मोनार्की, ध्यान रखिए मोनार्ची मत पढ़िएगा, CHY लिखा है तो इसे बोलते हैं मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय अ क्वीन एंड किंग तो क्या हो जाएगा, मोनार्की हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ ये। ठीक है, इनको सबकी चीज़ के बारे में आता है, डेमोक्रेसी तो कई बार पूछा गया है, आप लोग खुद ही जानते होंगे अगर एग्जाम देते रहते होंगे तो। वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ऐसा व्यक्ति जो ना लिख सके ना पढ़ सके, है ना, ना तो लिख सके ना पढ़ सके, उसे बोलते हैं इलिटरेट, इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़। ठीक है, इलिटरेट मतलब क्या होता है, अनपढ़, ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ सकता है और ना लिख सकता है। ठीक है,
फिर है नेक्स्ट वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे कभी सुधारा ना जा सके, वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता है उसे बोलते हैं इनकरिजिबल। इनकरिजिबल मतलब क्या होता है, इनकरिजिबल मतलब होता है असुधारातीत, मतलब उसको सुधारा नहीं जा सकता है। तो ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कुल मिला के मैंने आपको 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा दिए हैं, इसके आगे क्लास में आपसे कल लूँगा और कल मैं आपको इसमें कई सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे बकायदे पूछ सकते हैं, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 99-93-68-11-96 है, इस पे अगर आप ज्वाइन ALI लिख करके मुझे भेजेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप अपना नाम भी लिख के भेजेंगे तो आपको मैं अपने नाम से आपके नाम से ग्रुप में ऐड करूंगा। अगर आपने कुछ नहीं लिखा, ज्वाइन ALI लिखा, तो मैं आपका नंबर लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दूंगा फिर, ठीक है। तो नेम ज़रूर लिखिए जिससे मैं आपको नाम से ऐड कर सकूँ, ठीक है। और जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं दोबारा मत कीजिए क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाता है फिर, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर कर लिए दोबारा मत कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे वीडियो आपको मिलती रहे लगातार। और कोई भी वीडियो देखते हैं इससे पहले आप उसका पहला वीडियो जरूर देखिए, जैसे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला वीडियो है, इसके बाद आपके दो वीडियो और भी और आएंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम, थैंक यू।